हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाथम क्लास। आइए आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट आईसीएसई बोर्ड का टॉपिक जिसका नाम है शेयर्स एंड ड्यूडेंट। तो शेयर्स एंड ड्यूडेंट क्या है इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं, और इसके क्वेश्चन यकीन जानिए बहुत ही आसान है और फॉर्मूले पर बेस्ड है। आप ये जानते हैं कि कभी भी कोई भी नया बिजनेस, बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जरूरत पड़ती है, दैट इज़ मनी। अब चूंकि बिजनेस बहुत बड़ा है तो हमें जो कैपिटल चाहिए वो भी बहुत बड़ा चाहिए कैपिटल। अब वो कैपिटल एक इंडिविजुअल पर्सन मैनेज नहीं कर पाता है, वो पूरा का पूरा अमाउंट वो इंडिविजुअल पर्सन मैनेज नहीं कर पाता। तो वो क्या करता है कि कुछ पैसा तो वो बैंक से लेता है, कुछ पैसा वो स्वयं अपना इन्वेस्ट करता है, और कुछ पैसे कुछ का वो शेयर मार्केट में लॉन्च करता है। ठीक है, तो वो जो शेयर मार्केट में लॉन्च करता है, और जब वो मार्केट में ओपन मार्केट में शेयर आते हैं तो लोग उसे खरीदते हैं, जो लोग उसे खरीदते हैं उसी को हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स। तो जो पूरा पैसा होता है वो उसको डिवाइड कर देता है शेयर में। अब शेयर कितने तरीके के होते हैं अगर हम बात करें तो, शेयर क्या हो गया, शेयर एक तरह से पैसे को प्राप्त करने का तरीका है मार्केट से। मार्केट में कस्टमर्स हैं, मार्केट में बायर हैं, आप एक शेयर के सेलर हैं। तो आपने शेयर्स लॉन्च किए और हर एक शेयर का प्राइस आपने फिक्स कर लिया। जब वो मार्केट में आएगा तो उसका प्राइस चेंज हो जाता है, जिसमें हम आगे बात करेंगे फेस वैल्यू क्या है या मार्केट वैल्यू क्या, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम मोटे तौर पे ये समझ लें कि जब भी कभी किसी बड़े बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो बिग फर्म जो होते हैं वो मार्केट में शेयर को लॉन्च करते हैं और हर शेयर का एक प्राइस फिक्स करते हैं। तो अगर हम बात करें कि शेयर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ शेयर, तो अगर हम काइंड्स ऑफ शेयर में देखें तो दो तरह के शेयर होते हैं। पहला जो आपका शेयर होता है दैट इज कॉमन शेयर, दूसरा जो आपका शेयर आ जाता है दैट इज प्रिफर्ड। प्रिफर्ड शेयर, तो कॉमन शेयर को ही, कॉमन शेयर का एक दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं इक्विटी शेयर, इक्विटी। तो कॉमन शेयर का ही दूसरा नाम क्या है बच्चों, इक्विटी शेयर। जो भी प्रॉफिट अर्न करती है, देखिए जब बिजनेस का स्टार्ट हो गया तो यकीनन है कि प्रॉफिट अर्न होगा, जो प्रॉफिट अर्न करती है तो फिर वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जो प्रिफर्ड शेयर होल्डर्स होते हैं उनका पहला क्लेम बनता है कि वो उस डिविडेंड को लें। ठीक है, डिविडेंड क्या है, डिविडेंड जो होता है जिसे हिंदी में बोलते हैं लाभांश, डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश, और लाभ से ही लाभांश को दिया जाता है, लाभांश से ही लाभ को, लाभ का कुछ पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो एक तो हो गए कॉमन और एक हो गए प्रिफर्ड। तो जो प्रिफर्ड शेयर होल्डर्स होते हैं उनको अब क्लेम पहले होता है डिविडेंड पर, और उनको सबसे पहले दिया जाता है, इसी के आधार पर उनको नाम दिया गया प्रिफर्ड शेयर होल्डर्स। और बाद में जो दूसरा जो क्लेम बनता है वो बनता है कॉमन शेयर होल्डर्स का। तो अब आप समझ गए होंगे कि शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं, कॉमन और प्रिफर्ड। प्रिफर्ड शेयर होल्डर जो होंगे उनका डिविडेंड पर क्लेम सबसे पहले बनेगा, और फिर जब उनका क्लेम पूरा हो जाएगा अगर बचा पैसा तो फिर वो कॉमन शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये जो बातें हमने बताई, ये हमने बातें बताई किससे संबंधित, डिविडेंड, डिविडेंड पर फर्स्ट क्लेम किसका होता है, प्रिफर्ड, प्रिफर्ड शेयर होल्डर का। देन आफ्टर
कॉमन शेयर होल्डर्स का। उसके बाद कॉमन शेयर होल्डर्स का आता है नाम। तो ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। अब हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, क्योंकि शेयर होल्डर्स में उन डेफिनेशंस का पता होना बहुत ही जरूरी है। तो डेफिनेशंस क्या हैं? डेफिनेशंस, तो देखिए अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एक सबसे पहला आता है कैपिटल स्टॉक। तो कैपिटल स्टॉक का मतलब होता है, सबसे पहला जो एक नाम आता है दैट इज कैपिटल, कैपिटल स्टॉक। तो जो कैपिटल स्टॉक होता है एक्चुअली ये वो स्टॉक होता है, ये वो पैसा होता है जो कंपनी इन्वेस्ट करती है बिजनेस को स्टार्ट करने में। तो हम ये कह सकते हैं टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, ठीक है बच्चों। तो ये आपका कैपिटल स्टॉक हो गया, कितना इन्वेस्ट कर रही है। फिर जो दूसरा आता है दैट इज स्टॉक होल्डर। स्टॉक होल्डर्स वो होते हैं, वो व्यक्ति होते हैं, वो लोग होते हैं जो शेयर को खरीदते हैं। बायर Who buy share? जो शेयर को खरीदते हैं उनको ही नाम दिया गया स्टॉक होल्डर या शेयर होल्डर्स। फिर एक टर्म आ जाता है जिसे हम बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड वो चीज होती है, डिविडेंड का देखिए हिंदी में मतलब होता लाभांश। तो जब कंपनी रन करती है, बिजनेस करती है, उसका बिजनेस आगे बढ़ता है, ग्रोथ होता है, तो जो प्रॉफिट अर्न करती है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है शेयर होल्डर्स को। तो उसी को ही जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स ऑफ प्रॉफिट, तो आप कह सकते हैं अमाउंट अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर ऑफ प्रॉफिट अर्न। जो भी प्रॉफिट अर्न किया उसका जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है शेयर होल्डर को, वही कहलाता है बच्चों डिविडेंड। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें कि फेस वैल्यू क्या होती है। व्हाट अबाउट फेस वैल्यू? फेस वैल्यू इसका दूसरा नाम है नॉमिनल वैल्यू, और इसको एक और नाम दे देते हैं बच्चों दैट इज प्रिंटेड वैल्यू। प्रिंटेड वैल्यू, तो ये जो फेस वैल्यू है ये क्या चीज है? तो आप इतना समझिए कि जो शेयर की ओरिजिनल वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर जिस पर कंपनी बेचना चाहती है इन्वेस्टर को, वो ही कहलाता है फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। देखिए कोई भी चीज का एक दाम होता है, जो आप मार्केट में कोई भी सामान खरीदें उस पर जो प्रिंटेड रेट होता है, आप ये समझ लीजिए कि वही आपका फेस वैल्यू होता है। लेकिन जब वो मार्केट में आती है चीज, तो देखिए डिमांड और सप्लाई के आधार पर उसका रेट कम या ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रिंटेड रेट है आप उस पर भी बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो आप बस इतना समझिए कि ओरिजिनल वैल्यू जो होती है, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ जो शेयर होती है एट विच द कंपनी सेल, एट विच द कंपनी सेल, उसको ही नाम देते हैं हम नॉमिनल वैल्यू। फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू ये फिक्स होती है, मार्केट डिसाइड करेगा कि अब जो फाइनल वैल्यू हो वो कम हो कि ज्यादा हो। कम होगा तो उसे हम बोलेंगे एट डिस्काउंट, ज्यादा होगा तो उसे बोलेंगे एट पर। अब आ जाता है एक टर्म जिसे हम नाम देते हैं मार्केट वैल्यू।
देखिए मार्केट वैल्यू क्या है, द प्राइस एट विच स्टॉक इज बॉट और सोल्ड। अब देखिए जब मार्केट में शेयर आ जाता है तो उसका डिमांड कितनी है उसके हिसाब से उसकी वैल्यू तय होती है। तो जिस प्राइस पर मार्केट में शेयर खरीदा जाता है, प्राइस एट विच शेयर्स आर बॉट इज नोन एज मार्केट वैल्यू, तो उसको ही बोलते हैं मार्केट वैल्यू। अब इसमें तीन केस आ जाते हैं बच्चों, मार्केट वैल्यू में क्या आ जाते हैं, तीन केस। पहला केस जो है वो है कि अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू ज्यादा हो, मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, और एक हो सकता है जो मार्केट वैल्यू हो वो कम हो, वो कम हो फेस वैल्यू से, और एक हो सकता है कि जो मार्केट वैल्यू हो वो फेस वैल्यू के क्या हो, बराबर हो। तो हमारे पास यहाँ कितने केसेस आ गए बच्चों, हमारे पास यहाँ जो केस आए वो हमारे पास तीन केस आ गए। तो सबसे पहले केस से समझते हैं कि अगर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है फेस वैल्यू से तो क्या होगा। तो इसको हम बोलते हैं एबव, ये जो केस होता है इसको नाम दिया जाता है एबव पार, और अगर सेम हो जाए तो उसे बोलेंगे एट पार, और अगर कम हो जाए, सॉरी ये हमने नीचे हमें लिखना चाहिए इसको, इसको नीचे लिखते हैं एट पार। कब हो, जब बराबर हो जाए, और अगर मार्केट वैल्यू कम हो फेस वैल्यू ज़्यादा हो तो उसको बोलेंगे बिलो पर, बिलो पर, और बिलो पर बोलेंगे बिलो पर और एट ए डिस्काउंट, एट ए डिस्काउंट। भाई जाहिर सी बात है डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं, आप देखिए क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं जितना प्रिंटेड है उससे कम पे आप ले रहे हैं, तो एक तरह से डिस्काउंट ही हुआ। आप देखिए मार्केट में जाते हैं तो प्रोडक्ट पर लिखा नहीं होता 10% डिस्काउंट, तो जितना रेट लिखा होता उससे कम, तो अगर मार्केट वैल्यू शेयर की उससे कम हो जाती है तो हम उसे बोलेंगे एट ए डिस्काउंट या बिलो पर, और अगर ज़्यादा हो जाती है तो एबव पर का नाम दिया जाता है। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और जो शेयर के बारे में हमने एक छोटा सा आपको यहाँ पर नॉलेज दिया, इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फार्मूलों को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को बार बार देखिए, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, जिससे कि मैं उसका जवाब आपको दूंगा, उन क्वेश्चनों का भी आंसर देने का मैं प्रयास करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच।